दोस्तों, हाल ही में मुझे पता चला कि लाफ्टर चैलेंज 5 से तीन हमारे दोस्तों को टीआरपी की वजह से निकालना पड़ा। तो तीनों के लिए मेरी दिल में कोई बैर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। खामो खाम के जो चाहने वाले हैं वो ये समझते हैं कि मैं कॉमेडी का बुरा चाहता, तो बिल्कुल बुरा नहीं चाहता। इन तीनों का कोई कसूर भी नहीं है। इनका क्या कसूर? इनको ऑफर हुआ और ये आए बेचारे। कसूर तो उनका है जो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं और लाफ्टर चैलेंज जैसे बड़े ब्रांड के नाम को इस्तेमाल करते हैं और उसके बैनर के तले अपनी मनमानी करके जो उनको अच्छा लगे वो करते हैं, चाहे वो जजेस हो चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हो। तो मैं इनमें से किसी भी का बुरा नहीं समझता या बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि सबसे बड़े कसूरवार है चैनल वाले, सबसे बड़े कसूरवार है क्रिएटिव, जिनको ये नहीं पता होता है कि असल में वो जो जिसका प्रोग्राम बना रहे हैं, कि कॉमेडी का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो नहीं पता कि कॉमेडी में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। लकीर के फकीर होते हैं। यूट्यूब पे हमारे भाइयों का उन्होंने व्यूज़ देख लिया तो उनको बुला लिया जज करने के लिए। खैर, फिर एक बार कहूँगा, उन तीनों का कोई कसूर नहीं है, वो इनोसेंट है। और यूट्यूब पे व्यूज़ तो आपको ही पता है और हमें ही पता है, सभी लोगों को पता है जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। व्यूज़ बढ़ाए जा सकते हैं, पैसा देकर बढ़ाए जा सकते हैं। भले इन तीनों ने नहीं किया होगा, लेकिन ये बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बढ़ावा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इन तीनों को वहाँ से हटाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इन तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, आप लोग की कोई गलती नहीं, आप अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहिए, खुश रहिए। दोबारा जब लाफ्टर चैलेंज 6 शुरू होगा तो आइए, ऑडिशन दीजिए, पार्टिसिपेंट बनिए और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़िए। क्योंकि जो सीधा ऊपर जाता है वो नॉलेज के अभाव की वजह से कभी कभी उनको मतलब प्रॉब्लम में आना पड़ता है। मगर आई लव यू ऑल। तुम तीनों बहुत अच्छे अच्छे हो, अपने अपने जगह बहुत अच्छे हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। हंसाते रहो, हंसते रहो।